चेहरे पर खुशियों का चमन और इलाके में अमन, ये है लोकतंत्र के त्योहार का माहौल। आदमपुर उपचुनाव में मतदान, वोटर्स ने भी झोंकी जान, उंगली पर इलेक्शन की स्याही, और इस पर्व पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए बुजुर्गों ने जो जोश दिखाया वो देखते ही बनता है। देखिए, जरा तस्वीरें देखिए, बुजुर्ग, दिव्यांग, महिलाएं, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। कतारें देखिए महिलाओं की, आम लोगों से लेकर युवाओं की। धीरे धीरे बुजुर्गों के कदम मतदान केंद्र की तरफ बढ़ते रहे और चेहरे की खुशी दोगुनी होती गई, क्योंकि ये जानते हैं कि ये समय अपना फैसला सुनाने का, यानी अपने हक का वोट डालने का है। व्हीलचेयर पर मतदान करने पहुंचे इस युवा लड़की का जोश भी कितना हाई, वो न सिर्फ शब्दों से बल्कि चेहरे पर भी साफ झलक रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पहुंचकर इन्होंने खुद भी कहा है कि उन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड है। ये मेरा फर्स्ट वोट है और मैं इसके लिए एक्साइटेड थी काफी। इतना ही नहीं, वोटिंग के दौरान मतदाता काफी सोच समझ कर अपने मत का इस्तेमाल करती है। इस दौरान दिव्यांग लड़की ने भी क्या कहा वो भी सुनिए। सर, अभी फिलहाल तो रोड्स की ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं चाहती हूँ कि रोड्स अच्छी बने हमारे आदमपुर की। लंबी लंबी कतार, मतदान की बयार और चुनाव आर पार, ये तो अलग बात है, लेकिन बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों ने भी जिस तरह से इस पर्व में हिस्सा लिया, उसका कोई मोल नहीं, क्योंकि ये अनमोल है, ये अद्भुत है। आदमपुर से दीपक गौतम, सूर्या समाचार।